सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में परीक्षा में बैठने से रोक नहीं था, बहाली से रोक था। इसलिए इन लोगों ने कहा कि हम जब तक कोई रिलीफ नहीं मिल जाएगा, बीपीएससी ने कहा कि जब तक कोई रिलीफ नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं करेंगे। लेकिन जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम तुरंत ही एसटीईटी निकाले हुए हैं, तो जो बीएड के अभ्यर्थी हैं चूँकि वो सब जगह पर योग्य हैं, 6 to 8 में हैं, 9 to 10 में हैं, 11 to 12 में हैं, तो उनके पास एक मौका यही कि जल्दी से स्टेट दें। इसलिए हमने उस समय मांग की थी कि भाई डेट आप बढ़ाइए। इतना आनन फानन में एसटीईटी का फॉर्म निकाला गया, लास्ट डेट कर दिया गया और उसको ठीक करने के लिए कोई मौका नहीं दिया गया। अनाउंस कर दीजिए आपकी 2 दिन के लिए हम वेबसाइट और खोल रहे हैं, आप जिनको जो ये एडिट करना है अपने फॉर्म एडिट कर लें तो वो कर लेना चाहिए, क्योंकि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका देना चाहिए। बीपीएससी शिक्षक बहाली की परीक्षा ली गई थी, लेकिन बीच में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश आता है कि बीएड वाले 1 to 5 के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। उसके बाद लगातार बीएड अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं और इसी बीच अब जो है बीपीएससी की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि बीएड किए हुए अभ्यर्थी 1 to 5 के शिक्षक नहीं बनेंगे। तो शिक्षक लगातार परेशान हैं, लेकिन लगातार शिक्षकों का मुद्दा उठाने वाले भाकपा माले के विधायक संघर्ष मोर्चा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संरक्षक हैं संदीप सौरभ, वो लगातार शिक्षकों का मुद्दा उठाते रहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तो सरकार को एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन अब जिस तरह से बीपीएससी ने ही क्लियर कर दिया कि 1 to 5 की जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं 1 to 5 के शिक्षक नहीं बन सकते हैं, तो अब इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे संदीप सौरभ, सबसे पहले आप वो सुन। 5 जो है उसे बाहर कर दिया गया है, बीएड जो किए हुए स्टूडेंट थे बीपीएससी ने उन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। पहले बोला जा रहा है कि बीएलएड वालों को दिया जाएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और ये तो सच बात है कि भाई बीएड की पढ़ाई का सिलेबस जो है वो अलग है, डीएलएड अलग है। डीएलएड अगर सिर्फ प्राथमिक के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में सिर्फ डीएलएड चलेगा, बीएड नहीं चलेगा, तो अब सरकार ने वही फैसला लिया है। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि जब फॉर्म भरा गया उस समय क्यों नहीं निर्णय उस समय तक पहले लगातार 8 बार संशोधन हो चुके हैं, आप कैसे संशोधन? ठीक बात है, लेकिन देखिए जब फॉर्म भरा गया तब तो कोई वर्डिक्ट नहीं था, फॉर्म जब भर दिया गया तब वर्डिक्ट आया, उसके बाद बीपीएससी के हाथ में सब मामला गया। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को देखते हुए बीएड का रिजल्ट वो पब्लिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में परीक्षा में बैठने से रोक नहीं था, बहाली से रोक था। इसलिए इन लोगों ने कहा कि हम जब तक कोई रिलीफ नहीं मिल जाएगा, बीपीएससी ने कहा कि जब तक कोई रिलीफ नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं करेंगे। संजीव किया नहीं गया फाइनल, लगातार कहते रहे कि एडजस्ट सरकार जो है वो करे इन तमाम चीजों को, आपको नहीं लगता कि बीएड के भी जो उत्तीर्ण छात्र हैं उन्हें एडजस्ट किया जा सकता? एडजस्ट किया जा सकता था, लेकिन जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम तुरंत ही एसटीईटी निकाले हुए हैं, तो जो बीएड के अभ्यर्थी हैं चूँकि वो सब जगह पे योग्य हैं, 6 to 8 में हैं, 9 to 10 में हैं, 11 to 12 में हैं, तो उनके पास एक मौका यही कि जल्दी से स्टेट दें और फिर तुरंत ही बहाली बिहार में आने वाली है तो उसमें वो लोग अप्लाई करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वायोलेशन सरकार करना नहीं चाहती थी, यही मामला। आपने स्टेट की बात की, अभी स्टेट का फॉर्म फिलअप हुआ और एग्जाम भी चल, लेकिन उसमें कुछ छात्रों की त्रुटि हो गई, लगभग 50,000 छात्र हैं, ये फॉर्म भरने के समय त्रुटि हो गई, लेकिन बोर्ड ने उन्हें ऑप्शन नहीं दिया, अब वो छात्र भटक रहे हैं। कल यहाँ तक कि मंत्री से भी मुलाकात की और मंत्री ने आश्वासन दिया है, तो क्या लग रहा है उन छात्रों को जो परेशानी है उसको अब किस? देखिए छात्रों को तो परेशानी है और इसलिए हमने उस समय मांग की थी कि भाई डेट आप बढ़ाइए। इतना आनन फानन में एसटीईटी का फॉर्म निकाला गया, लास्ट डेट कर दिया गया और उसको ठीक करने के लिए कोई मौका नहीं दिया गया, तो एक मौका सरकार को वेबसाइट अनाउंस कर दीजिए आपकी 2 दिन के लिए हम वेबसाइट और खोल रहे हैं, आप जिनको जो ये एडिट करना है अपने फॉर्म एडिट कर ले तो वो कर लेना चाहिए, क्योंकि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका देना चाहिए। इसलिए हमने पहले ही कहा था शिक्षा विभाग में, अब माननीय मंत्री जी से भी हमने कहा था, लेकिन आप जान ही रहे कि शिक्षा विभाग में किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आज के समय में, तो फाइनली शायद अभी तक हुआ नहीं उसको। तो आपने साफ तौर पे सुना उनका कहना है कि देखिए हमने सरकार से मांग की थी कि इन अभ्यर्थी को एडजस्ट कर देना चाहिए, लेकिन एडजस्ट नहीं कर पाई, अब जो है ये कहा जा रहा है कि स्टेट की बहाली आ गई है, अब उसके थ्रू वो फॉर्म भरे और फिर स्टेट पास करने के बाद फिर से बीपीएससी की बहाली आएगी तो उसमें वो अपीयर हो सकते हैं, लेकिन स्टेट के अभ्यर्थी भी काफ़ी परेशान हैं और फॉर्म भरने के बाद उन्हें एडिट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसको लेकर के भी जब सवाल किया गया संदीप सौरभ से तो उन्होंने कहा है कि ऑप्शन देना चाहिए, हमने सरकार से भी बात की है और शिक्षा मंत्री से, लेकिन जिस तरह से जो है के पाठक और
शिक्षा मंत्री के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं और सरकार से भी बातचीत कर रहे हैं कि शिक्षक का जो मुद्दा है, जो स्टेट अभ्यर्थी हैं, उन्हें मौका जरूर मिलना चाहिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।